give the heading called friction. शुरू करो, पहले दो मिनट में समझा दूं. फ्रिक्शन इज फोर्स विच इज डेवलप बिटवीन टू सर्फेसेस वेन देर इज आइदर टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग और देर इज रियली रिलेटिव मोशन. फॉर एग्जाम्पल अभी इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है मूव होने की, ना इधर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा. लगाया फोर्स, टेंडेंसी है, नहीं हो रहा मूव. किसने रोक लिया? फ्रिक्शन ने. और बढ़ाया अभी मूव नहीं हुआ, बढ़ाया, अभी भी मूव नहीं हुआ. क्या बढ़ गया होगा? फ्रिक्शन. तो टेंडेंसी मूव करने की है पर मूव नहीं हो रहा, क्या क्रिएट हो रहा है? फ्रिक्शन. दूसरा, मूव हो रहा है तो भी क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कम्स व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग और देयर इज स्लिपिंग. टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग मतलब ऐसा फोर्स लग रहा है जो मूव करवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर ऐसा फोर्स जो मूव करवा ही रहा है. दोनों केस में क्या लगेगा? फ्रिक्शन, प्रोवाइडेड सर्फेसेस स्मूथ ना हो. अब जो फ्रिक्शन लगता है रुकी हुई कंडीशन में, मतलब जब आप फोर्स लगा रहे हो पर वो मूव नहीं हो पा रहा, उस टाइप के फ्रिक्शन को बोलते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी पे और वो मूव हो रही है तब के फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. इतना क्लियर है? स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तब लगता है जब बॉडी मूव, मतलब टेंडेंसी तो है मूव होने की पर फ्रिक्शन उसको मूव होने से रोक रहा है. और काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी क्या हो रही हो? मूव हो रही हो, सच में मूव हो रही हो. अब स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा एक ही चीज से आता है कि स्लिपिंग ना हो. कोशिश तो वो यही करता है कि स्लिपिंग ना हो, कोशिश. अब सपोज एक ब्लॉक, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? एक ब्लॉक रखा हुआ है, देखें तुम्हारा व्हाट डज योर लॉजिक से, हल्का सा फोर्स लगाया, मूव नहीं करेगा. किसने रोक लिया? कौन सा फ्रिक्शन है? थोड़ा और बढ़ाया, अभी भी नहीं मूव हुआ. तुम देखते हो कभी कभी नहीं भी मूव होता, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा और बढ़ गया, एक लिमिट आई कि वो मूव होने ही वाला है. अब तुम ये देख रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एक रेंज में अपने आप को क्या कर सकता है? चेंज फ्रॉम अ मिनिमम वैल्यू जीरो. जब आपका टेंडेंसी ही नहीं है मूव होने की तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? जीरो. और आप जैसे जैसे अपना फोर्स बढ़ाओगे उसके मूव होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, एक लिमिट पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहेगा यार अब हम अपने आप को और नहीं बढ़ा सकते हैं. तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक में कहलाता है स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब अगर आपका अप्लाइड फोर्स स्टैटिक लिमिटिंग से क्या हो? ज्यादा, देन द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग एंड द फ्रिक्शन दैट इज एक्टिंग इज काइनेटिक. जस्ट अ सेकंड, दैट मींस स्टैटिक फ्रिक्शन कैन चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू. फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड लिमिटिंग. एंड वंस योर बॉडी इज इन मोशन देन द फ्रिक्शन इज काइनेटिक. और काइनेटिक फ्रिक्शन की खासियत यह है कि वो फिर इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता. एक बार जब बॉडी मूव होने लग जाती है तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो जो है वैसे ही रहेगा, प्रोवाइडेड सर्फेसेस में कहीं कोई चेंज ना आ जाए. और ये भी देखा गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है. व्हाट इज स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन? स्टैटिक में जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके बाद आपके फोर्स के कारण से बॉडी क्या करेगी? मूव. और एक बार जब बॉडी मूव करेगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक. चाहे फिर वो कितना भी स्पीड से मूव हो रहा हो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक. चाहे आप कितना भी ज्यादा फोर्स लगा रहे हो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक. और वो वैल्यू फिर चेंज नहीं होगी प्रोवाइडेड सरफेस ना बदले. और ये देखा गया कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक लिमिटिंग से थोड़ी सी कम है. स्टैटिक से कम नहीं, स्टैटिक लिमिटिंग. स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव अ वैल्यू फ्रॉम जीरो टू अ सर्टेन मैक्सिमम, दैट मैक्सिमम इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. Once the body is in motion, friction is kinetic, which is now constant during motion, and this value of kinetic friction is slightly less than static limiting. Likho. When, 10 minute theory, formula, numericals. When a body has a tendency to move
has a tendency to move or is in motion, then friction would act on the body. The friction which is acting during static condition is called static friction. Static friction can change its value from 0 to maximum value bracket mein likho limiting friction. Ab likho, when the body is in motion, then the friction acting is kinetic. And kinetic friction is constant during motion. Ek line aur. Kinetic friction is slightly less than limiting static friction.